नहीं। हाउस टूर का वीडियो बनाइए प्लीज। नहीं। प्लीज आप होम टूर कीजिए ना प्लीज। नहीं। We need your home tour please please। ठीक है चलो करते हैं। तो गाइस इट्स मी सो माइंड, आज हम लोग टेस्टिंग आउट करने वाला है होम टूर का, टू सी एक्चुअली होम टूर करके काम होता है कि नहीं। ये कैसा होम टूर है? ऐसे करते हैं होम टूर। ठीक है ठीक है, लाइट्स ऑफ लाइट्स ऑफ। ये सास बहू सीरियल नहीं है, अपना काम कर, जो दिखाना है दिखा। चल चलो अपने तरीके से करते हैं। तो ये है हमारा हॉल रूम, यहाँ पे बैठ के हम लोग देखते हैं टीवी, और टीवी देखते देखते हमारा रिमोट गुम हो जाता है। ओ यही पे है रिमोट, और यहाँ पे है मेरा रबर बैंड जो मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, यहाँ वहाँ पे रख देती हूँ रबर बैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ पे रख देती हूँ। चलो अब ये है हमारा डाइनिंग एरिया, यहाँ पे बैठ के हम ठूसते हैं बहुत सारा, और फिर यहाँ पे आके मुँह धोते हैं, नहीं तो मुँह से बहुत बदबू निकलती है, तो अच्छे से हम यहाँ पे धोते हैं। अभी भी निकल रही है तो मैं थोड़ा सा धो लेती हूँ। आप एक काम करो, किसी को बोल के अपना मुंह डिलीट करवा लो। और ये है मेरी हवा हवाई बेड, जिसमें लेट के मैं स्क्रिप्टिंग करती हूँ, पूरा दिन स्क्रिप्टिंग करती हूँ, पूरा दिन स्क्रिप्टिंग करती हूँ। कौन है ये लोग? अब ये ये है मेरा वार्डरोब, बड़ा सा वार्डरोब, तो इसके अंदर क्या है वो मैं दिखा देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं दिखा सकती हूँ, सब भांडा फूट जाएगा। मैं वो क्लोजेट टूर में दिखाऊंगी, किस किस को क्लोजेट टूर देखना है कमेंट करके बता देना। तो नेक्स्ट ये है मेरा ड्रेसिंग एरिया, जहाँ पे मैं मेकअप करती हूँ और अपनी बदसूरती को छुपाती हूँ। यहाँ पे होता है मेरा स्किन केयर की प्रोडक्ट और मेकअप प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे कुछ मेडिसिन भी है, ये मत देखो तुम लोग, ठीक है मैं बंद कर देती हूँ। ये है हमारा फैन, हमारे घर में सब कुछ ऑटोमेटिक चलता है, तुम लोग हाथ से स्विच ऑन करके फैन चलाते हो, अरे मैं ऑटोमेटिक चलाती हूँ। दे दो अलेक्सा प्लीज स्विच ऑन द फैन। अभी मेरा मूड नहीं है। चलो छोड़ो, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये जो कभी कभी मेरी बात नहीं मानता है पर सैड म्यूजिक भी लगा देता है और मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। और ये मेरी बेड खुल जा सिमसिम की तरह खुल जाता है, और इसके अंदर आपको दिखने को मिलेगा मेरी छुपी हुई गरीबी। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। चूहे वुए भी मरे हुए होंगे इसके अंदर, मुझे कुछ सही से नहीं पता, तो मैं इसे फिर से पहले की तरह बना देती हूँ। अरे तुम लोगों को तो मैंने ये दिखाया नहीं, ये है मेरी ज्वेलरी बॉक्स, जिसमें छोटी मोटी ज्वेलरी है पर ज्यादा कुछ नहीं है, तो इसे फालतू में देख के टाइम बर्बाद किए बिना चलो नेक्स्ट रूम देखते हैं। नेक्स्ट आता है इस रूम की तरफ। इस रूम की दीवार, बेडशीट, पर्दे, छत सब पिंक ही पिंक है, और यहाँ पर है स्टडी टेबल, ये कैबिनेट सारे पिंक है, और ये है हॉट वाटर बैग जिससे मैं अपनी कमर को सेकती हूँ, बहुत दर्द करता है, ये भी पिंक है। क्या कॉम्बिनेशन है यार, तो इसलिए इस रूम का नाम हमने रखा है पिंकी। ओके पिंकी, आपका सवारी हो गया, हम लोग दिखा चुके हैं पिंकी को, चलो नेक्स्ट रूम देखते हैं। तो पिंकी के बाद आते हैं यहाँ पे, यह है हमारा किचन, जहाँ पे मैं कभी नहीं आती। मैं सिर्फ आती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे होता है बहुत सारा खाना। अभी भी है हाँ, ये सारे बहुत सारे खाना होता है तो मैं यहाँ पे आती हूँ और खाती हूँ और चली जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपना कोई काम नहीं है। चलो ऊपर चलते हैं। अब चलो तुम लोगों को ऊपर की सवारी करवाते हैं। तो ऊपर आते ही सबसे पहले है ये वाला रूम, जिसे खोलते ही आपको दिखने को मिलेगा बहुत सारे दूसरे गोले की प्राणियां जो पूरे दिन बैठे रहते हैं और एडिटिंग करते हैं। बाहर कोई मर भी जाए फिर भी नहीं निकलेंगे, बस एडिटिंग ही करते हैं। उकसाने का काम मत कर। मैं आगे से किसी को बोलता नहीं और फिर किसी को छोड़ता नहीं। अब यहाँ पे आते हैं मेरे YouTube की प्ले बटन्स, जो कि यहाँ पे अक्सर दीवार पे टांगी हुई होती है, पर हमारे घर में कोई नहीं आता टांगने के लिए, इसीलिए मैं ऐसे ही इसको रख देती हूँ। इस रूम के बाद आते हैं नेक्स्ट रूम पे। ये है हमारा शूटिंग रूम, जहाँ पे अभी भी शूट चल रहा है। और ये है आपकी प्यारी दुलारी खसमान खानी अपर्णा। वैसे खसमान खानी का पता मीनिंग नहीं पता मेरे को। और ये है एक नंबर की आलसी मधु, तुझसे बात नहीं करूंगी। और ये है एक ऐसा प्राणी जो मेरे को पूरा दिन मेरा दिमाग खाता रहता है, कैसा शॉट होगा ये बता बता के छिप गया है। निकालो उसको, पर्दे से निकालो और मारो हरामखोर। वैसे वहाँ पे भी अंदर उसके पर्दे के पीछे बहुत कुछ है जो कि अभी हम नहीं दिखाएंगे, वो हम अपने सेटअप टूर में दिखाएंगे। अब चलो इनको शूटिंग करने देते हैं और हम हमारी नेक्स्ट सवारी करते हैं। शूटिंग रूम के बाद आते हैं इस रूम की तरफ। इस रूम को नहीं हम खोल नहीं सकते। इस रूम में कुछ सीक्रेट चीजें हैं। अगर इन सीक्रेट चीजों को तुम लोगों को देखना है तो Q&A में बताऊंगी, और किस किस को Q&A देखना है कमेंट करके बता देना। अब चलो, तो ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर का हॉल रूम, बड़ा सा हॉल रूम। यहाँ पे हम बेसिकली शूटिंग करते हैं, हर जगह पे शूट होता है, हर जगह पे। ये देखो शूटिंग की निशान, वो इसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं, नहीं शूट करते हैं। और ये है झूला, और यार वो है पूजा रूम, उसका भी कुछ मॉडिफाई चल रहा है तो ये फिलहाल ऐसा ही है। तो अच्छे से देख लो। ये हॉल रूम के बाद हम चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर में चलते ही आपको दिखने को मिलेगा ये क्रिस्टल का बड़ा सा झूमर, जिसमें दीपिका पादुकोण की लाश को महेश बाबू ने गाड़ के रखा है। थोड़ा सा ऐसे करते ही लाश नीचे गिर सकता है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। तो ऊपर में है हमारा छत, और छत पे क्या होता है भाई, छत पे हम कपड़े सुखाते हैं, जो हर पृथ्वी के सारे प्राणियां कपड़े सुखाते हैं, तो हम भी कपड़े ही सुखाते हैं यहाँ। तो यहाँ पे हम शूट करते हैं, और कभी कभी मैं यहाँ पे बैठ के सुबह मेडिटेशन करती हूँ, जिससे मेरे अंदर एक पावर आ जाता है और फिर मुझे लगता है कि मैं दुनिया पर कब्जा कर लूंगी। और फिर कुछ होता है, यहाँ पे खुजाता है, यहाँ पे खुजाता है, खुजली होती है बहुत, खुजली है भाई। तो छत घूमने के बाद यहीं पे खत्म होता है हमारा होम टूर। अगर तुम लोगों को अच्छी लगी तो लाइक मारो, और अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक मारो, और अगर कुछ भी नहीं लगी तो मैं आके तुम लोगों को मारूंगी। यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो भी नए दोस्तों, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, दैट्स royalquinn.official। अभी के लिए बाय बाय।